नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रिटेड में। आज मिलेगा आपके सामने एमटीजी का ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। इस बुक के लिए ऐसा दावा किया जाता है कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन में से जो क्वेश्चन बन सकता है वो उन्होंने क्वेश्चन बनाया है। क्लास 11th और 12th दोनों के लिए पूरी एनसीईआरटी को एक ऑब्जेक्टिव बुक में कन्वर्ट कर दिया गया है एमटीजी के द्वारा। आज इस बुक का रिव्यू करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। मोस्टली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं और यहां तक कि जो आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम होते हैं, शुरू के 20 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलते हैं। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड। तो आज इसी बुक का रिव्यू करिए, क्या खास है इस बुक में और क्या वाकई आपकी उम्मीद पर खरी उतरती है या नहीं। सबसे पहले बुक को परचेज करने से पहले होलोग्राम जरूर चेक कर लीजिएगा, ये ओरिजिनलिटी की पहचान है। इसके साथ ही आपको एक चमकता हुआ होलोग्राम यहां पर भी दिखाई देगा एमटीजी का, तो ये भी इसकी ओरिजिनलिटी की पहचान है। अब बात कर लेते हैं इसके एमआरपी की, ये कितना प्राइस रखा है कंपनी ने इसका, 850 रुपये, और लेस मिलेगा इसको इस पर आपको 30 से 35% के बीच में, तो लेस जरूर लीजिएगा अकॉर्डिंग। प्राइस काफी हाई रखा हुआ है, मेरा मानना है प्राइस थोड़ा लो भी हो सकता था। बात करें इसमें नंबर ऑफ पेजेस की, तो इसमें आपको कुल नंबर ऑफ पेजेस जो देखने को मिलते हैं वो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, किस टाइप से करनी पड़ेगी देखिएगा। इसको दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ पेजेस की ही बात कर लेते हैं, 460 पेज तो 11th क्लास के मटेरियल है और 470 पेज आपके, लगभग 930 पेज आपको देखने को मिलते हैं और साथ में कुछ एक्स्ट्रा पेजेस भी आपको, 1000 पेज ही आप मान के चलेगा, 1000 पेज की ये बुक है। 850 रुपए इसका एमआरपी रखा गया है। काफी मोटी सी बुक देखने को मिलने वाली है, साइज भी काफी बड़ा है, आप हैंड से कंपैरिजन इसकी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के मटेरियल की, क्या क्या मटेरियल इसमें प्रोवाइड कराया जाता है। स्टार्टिंग में जैसे आप कवर पेज खोलते हैं तो ये कुछ एडवर्टाइजमेंट है इनकी ऐप के, कुछ कूपन कोड है यहाँ पर। आगे चले तो यहां पर आपको कुछ प्रीफेस देखने को मिलता है। आगे चले तो यहां पर जो इनकी जो बायोलॉजी है, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है, उनकी भी जो एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स ये जारी की गई है, और जो कुछ टॉपर्स है उनके कुछ ख्यालात बताए गए हैं, उनके द्वारा कुछ रिव्यूज दिए गए हैं वो यहां पर बताए गए हैं। टॉपर्स के द्वारा भी यहां पर रिव्यू दिए गए हैं, फर्स्ट रैंक एम्स 2018, तो ये चीजें यहां पर बताई गई फर्स्ट रैंक के द्वारा। अब इसमें कितनी सच्चाई है इस बारे में मैं कोई वेरिफिकेशन नहीं करूंगा, आप ऑलरेडी बहुत समझदार हैं, क्योंकि मोस्टली होता ही है कि जो टॉपर्स है कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट कहता है हमारे यहां से पढ़ा हुआ है, ये हमारे यहां से पढ़ा हुआ है। दरअसल कोई बुक आपको कॉम्पिटिशन में फर्स्ट नहीं लेके आती है, आपकी खुद की मेहनत फर्स्ट लेके आती है, बस एक सपोर्ट का काम करती है कोई भी बुक। बात करें कंटेंट की, तो कंटेंट में आप देख सकते हैं लगभग आपको सारे के सारे चैप्टर, 14 चैप्टर है, ये सारे सारे आपको देखने को मिलते हैं कंटेंट्स के अंदर 11th क्लास में। अगर मैं एक एक चैप्टर का नाम पढ़ूंगा तो पढ़ा जाएगा, लेकिन अंदर कंटेंट अगर पढ़ने लगा तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, इसको देखना आपके लिए थोड़ा सा आप बोरिंग फील करेंगे, इसलिए मैं केवल और केवल चैप्टर के नाम पढ़ देता हूं। चैप्टर ऑन यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन। एक बात और बता दें, अगर आप अंदर के कंटेंट भी जानना चाहते हैं तो आप अपनी वीडियो को 4K में एनेबल कीजिएगा, 2160 जो पिक्सल होता है, क्योंकि मैं अपनी वीडियो को 4K में ही अपलोड करता हूं, और उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पता लग जाएगा इसमें क्या क्या कंटेंट दिया गया है। आगे चले तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशंस एंड वेव्स। इसके बाद अगर चैप्टर 12 की बात, मतलब क्लास 12 की हम बात करें, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेव ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम, न्यूक्लाई, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स, और लास्ट में आपको एक्सपेरिमेंटल स्किल्स देखने को मिलती है। तो ये तो ओवरऑल आपका कंटेंट है, क्या आपको देखने को मिलने वाला है इस बुक के अंदर, जो चैप्टर के नाम बता दिए हैं, अंदर का कंटेंट जानने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन वीडियो क्वालिटी थोड़ा अच्छा जरूर कर लेना जिससे स्क्रीनशॉट भी अच्छा है। आगे चले अब बात करते हैं चैप्टर के पैटर्न की, किस प्रकार का चैप्टर का पैटर्न आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले 11th क्लास की बात करें,
चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसके अंदर कुछ एनालिसिस किया गया है जो प्रीवियस ईयर के नीट के और जेई एग्जाम के पेपर्स है, किस टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। आप देख सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन से 5, 11, 7 सबसे ज्यादा नंबर से सही पूछा जा रहा है मोस्टली। किसमें भला? जेई में। आगे बात करते हैं, यहां पर 3 ईयर वेटेज दिया गया है, किस सन में इस चैप्टर से कितना परसेंट पूछा गया है। अब बात कर लेते हैं एनसीईआरटी नोट्स की। शुरुआत में आपको एनसीईआरटी नोट्स देखने को मिलते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही कम लाइनों में सारी चीजें यहां पर फिनिश कर दी गई है, बता दी गई है। आगे चले तो यहां पर आप देखिएगा, आपको फास्ट मोड में अगर रिवीजन करना है तो बस आप ये पढ़ के रिवीजन कर सकते हैं, आपके जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो स्टार्टिंग में ही दे दिए गए हैं। इसको पढ़ने के बाद आपका शुरू होता है एमसीक्यू कॉर्नर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनसीईआरटी। ये लाइन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सारे के सारे एनसीईआरटी से ही बनाए गए हैं और यहां पर कुछ चीजें बोली गई है, ऑल द बेस्ट भी बोला गया है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं अपने जो स्टडी है उसके पैटर्न में और चार चांद लगाने के लिए। शुरुआत में इंट्रोडक्शन यानी टॉपिक वाइज यहां पर कवर किए गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन से 2 क्वेश्चन बनाए इन्होंने। एनसीईआरटी का कौन सा पेज नंबर है, पहले पेज पे से क्वेश्चन बनाया गया, ये भी पहले पेज से क्वेश्चन बनाया गया है। इसके बाद द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट अगला टॉपिक है, फिर उसका क्वेश्चन, 4 ऑप्शन, किस पेज से एनसीईआरटी के किस पेज से वो क्वेश्चन दिया गया है, ये चीज यहां पर बताई गई है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फिट नहीं बैठ सकते थे, उन्हें मैचिंग की फॉर्म यहां पर दे दी गई है, तो पेज 2 पर ये क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार से टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं और क्वेश्चन के सामने ये लिखा मिलेगा कि यह एनसीईआरटी बुक के कौन से पेज से लिए गए, कौन से पेज की थ्योरी से ये लिए गए हैं। इसके बाद लिस्ट काउंट का पोर्शन यहां पर फिनिश हो जाता है। इसके बाद आप अपनी प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं, अगर आपका इसको 95% से ऊपर है तो आप एक्सीलेंट हैं, इनके बीच में तो वेरी गुड है, इनके बीच है तो गुड है, मिड स्कोर है, नोट सेटिस्फैक्टरी 65 से अगर कम है। आगे चले अब बात करते हैं यहां पर एग्जाम स्कोरर की। इसमें क्या है, इसके अंदर आपको जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है उसको भी इसमें ऐड कर दिया गया है, जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है उनको यहां पर ऐड कर दिया गया है एनसीईआरटी जो थ्योरी है उससे क्वेश्चन बनने के बाद। इसके बाद अगला जो सेक्शन है वो है एग्जाम आर्काइव। इसमें आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वहां से क्वेश्चन उठाए गए हैं, जैसे नीट का क्वेश्चन उठा ले यहां पे दे दिया गया, जे मेन का क्वेश्चन है तो नीट के और जे मेन के जो जे आई पी एम ई आर एग्जाम होता है उसके भी क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं तो यहां पर। उसके बाद लास्ट में इनकी सबकी जो 3 सेक्शन आपने पढ़े, द फर्स्ट वन एमसीक्यू कॉर्नर, द सेकंड वन एग्जाम स्कोर एंड द थर्ड वन एग्जाम आर्काइव, तीनों का यहां पर आंसर की दे दी गई है, यहां से आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। तो सिंपल सा पैटर्न है इस बुक का, सबसे पहले चैप्टर के बारे में एनालिसिस है, कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके बाद आपके एनसीईआरटी नोट्स है जहां से आप फास्ट मोड में रिवीजन कर सकते हैं, उसके बाद आपका एमसीक्यू कॉर्नर है जो एनसीईआरटी की थ्योरी से एक्सट्रैक्ट किए गए है टॉपिक वाइज और किस पेज नंबर पर वो क्वेश्चन है, वो पेज नंबर भी यहां पर दिया गया है। इसके बाद आगे चले तो एग्जाम स्कोरर में आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, जिसमें आपको न्यूमेरिकल थिंकिंग कोर और केस बेस्ड क्वेश्चन भी कवर किए गए हैं और इसके बाद आपको एग्जाम आर्काइव के क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और लास्ट में इसकी आंसर की दे दी गई है। यही पैटर्न आपको 11th और 12th के जो चैप्टर है उनमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, जैसे ही आपका ये लास्ट एग्जाम स्कोरर एमसीक्यू कॉर्नर लास्ट चैप्टर जब फिनिश होगा आपका, उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए वेव्स आपका यहां पर ये लास्ट चैप्टर, वेव्स के बाद जैसे आपका वेव्स का चैप्टर खत्म होता है, 11th का लास्ट चैप्टर फिनिश होगा, यहां पे शुरू होता है हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशन। अब ये तो आंसर किसे पता लग जाएगा किसका क्या आंसर है, लेकिन एक्चुअल में अगर जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाए उनका वो आंसर क्यों आया वो जानने के लिए आपको हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशन में जाना पड़ेगा और यहां पर डिटेल में आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, हर एक सेक्शन का सॉल्यूशन देख सकते हैं, चाहे एमसीक्यू कॉर्नर हो, चाहे एग्जाम आर्काइव हो, ठीक है, चाहे वो एग्जाम स्कोरर हो, ठीक है, आप हर एक का जो वेल एक्सप्लेन्ड सॉल्यूशन यहां पर देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं, अपनी गलतियों को ठीक कर सकते हैं।
इसके बाद शुरू होता है आपका 12th का सेक्शन। सेम पैटर्न इसके अंदर यूज किया गया है। एग्जाम आर्काइव के बाद आपको आंसर की देखने को मिलती है, पैटर्न सेम है चैप्टर का। और लास्ट में चले, जब सारे चैप्टर्स फिनिश हो जाएंगे तो आपको मिलती है देखने को एक्सपेरिमेंटल स्किल्स। एक्सपेरिमेंटल स्किल्स के अंदर आपको सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट्स है वो देखने को मिलते हैं। जो कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन अगर आप आता है, आपको एक्सपेरिमेंट की जानकारी है तो इजीली आप उसको कवर कर लेंगे। अक्सर देखा गया, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के में पढ़ रहे हैं तो मोस्टली स्कूल में एक्सपेरिमेंट को खाना पूर्ति के रूप में दिया जाता है। फाइल तैयार कर ली, नंबर प्रोवाइड करा दिए, नॉलेज बच्चों को नहीं हो पाती एक्सपेरिमेंट के थ्रू, सीधी सी बात है। तो इसके लिए इन्होंने अलग से चैप्टर्स ऐड किए गए हैं, इसमें सारे एक्सपेरिमेंट कवर किए गए और उन एक्सपेरिमेंट के बेस पर भी यहां पर एमसीक्यू दे दिए गए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। और एग्जाम स्क्रोल में जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं क्वेश्चन वे भी यहां पर दे दिए गए हैं। और लास्ट में वही हिंट एंड एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलते हैं। यहां से आप अपने जो सॉल्यूशन है उनको आप देख सकते हैं। और लास्ट में आपको HD करके एक सेक्शन देखने को मिलता है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए। तो यहाँ पे डायग्राम को, यहाँ पे कलर्ड पेज का इस्तेमाल किया गया है, आप देख सकते हैं कलर्ड पेज का इस्तेमाल करके यहाँ पे चीजों को बहुत अच्छे से, एक्चुअल में ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, ये सिर्फ बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ लास्ट के पेज दे दिए जाते हैं। मेरा मानना है इनसे ऐसा कुछ आपको सीखने को एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा जो आपको नोट्स में ना मिला हो, क्योंकि बच्चा जब बुक खोलेगा उसे कुछ रंगीन पेज दिखाई देंगे तो शायद उसका अट्रैक्शन इस ओर बढ़ जाता है। तो ये आपका था एमटी जो ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। और अगर रेटेड पर इसकी रेटिंग की मैं बात करूं तो इसको मैं दूंगा 5 में से 4.5 की रेटिंग। देखो आधी रेटिंग जो मैंने इसमें कट की है वो इसलिए कट की है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी की लाइन दर लाइन से इन्होंने बनाया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ही कम है। नंबर ऑफ क्वेश्चन, बाकी देखो अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा, आपको बहुत मोटी बुक दिखाई दे रही है, तो भाई आपको बता इसमें नोट्स भी है, इसके अंदर हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशंस भी है। अब आप खुद देखिएगा, ए पहले पेज से उन्होंने 2 क्वेश्चन बनाए केवल, ठीक है, बाकी 3 या 5 क्वेश्चन बना दिए एक पेज से। अगर बात करें, आप और क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, यानी पूरे पहले चैप्टर में आप केवल 60 क्वेश्चन बन सकते हैं हर एक लाइन पर, कह रहे हो हर एक लाइन से, जैसे उन्होंने दावा किया है एमसीक्यू एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच लाइन। अरे भाई नंबर ऑफ लाइन्स तो बहुत ज्यादा होते हैं, तो जितना दावा किया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चन कम दिए हैं, कह रहा हूं कि जैसा दावा किया है आप कह सकते थे कि ईच चैप्टर में एनसीईआरटी के क्वेश्चन टेक्स्ट आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, लेकिन दावा जो किया एक्चुअल में उस पर खरा नहीं उतर पाए, इसलिए मैंने बहुत माइनस सा अंक कटा है रेटिंग पर। रेटेड पर मैं इसको 5 में से 4.5 की रेटिंग दूंगा। ओवरऑल अच्छी बुक है, अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए बेस्ट है। सबसे पहले एनसीईआरटी बुक पढ़िए अच्छे से, या इसके नोट्स ही पढ़िए और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना शुरू कीजिए। आपके लिए मेरी राय यही है कि आंसर की से देखकर बिल्कुल आंसर मत लगाइएगा, पहले खुद से लगाइएगा, गलत कौन सा है सही कौन सा है चेक कीजिएगा, क्यों गलत है उससे सीखिएगा और फ्यूचर में वो चीज रिपीट ना हो उस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ टिप्स थे, लगता ये था आज का रिव्यू एमटीजी एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार के बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।